फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रामीण जनता को पीएम आवास न मिलने पर भारी आक्रोश, तमाम पीएम आवास के लाभार्थियों ने ब्लॉक अधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। ग्राम विकास अधिकारी के ऊपर पीएम आवास की किस्त रोकने के लगाए गंभीर आरोप। फतेहपुर जनपद के देवमई ब्लॉक के मुसाफा ग्राम पंचायत का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ग्राम विकास अधिकारी ने गरीब जनता के घर में जाकर पीएम आवास के लिए सत्यापन किया और लाभार्थियों को पीएम आवास देने का आश्वासन दिया। पीएम आवास की सूची में गरीब जनता के नाम आ गए। ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी शिवानी मिश्रा के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम आवास की किस्त खाते में पैसे आने के बाद रोक दी गई, जो गरीब जनता अपने नए आशियाना बनाने की उम्मीद थी, उनकी उम्मीदों को ठुकरा दिया गया। आखिर लाभार्थी पात्र नहीं थे तो सत्यापन ग्राम विकास अधिकारी ने क्यों किया? आखिर क्यों पात्र बनाया? गरीब जनता पात्र थी तो उनकी किस्त क्यों रोक दी गई? बड़ा सवाल उठता है। हालांकि ग्रामीणों ने बताया कि कच्चे मकानों को लाभार्थियों ने गिराकर नए मकान बनाने की तैयारी की, लेकिन अब जब घर गिर गया और नया आवास भी नहीं मिल रहा, आखिर कहां जाएं? छोटे छोटे बच्चों को लेकर बारिश हो गई तो कहीं ठिकाना नहीं है। खुले आसमान के नीचे बच्चों को लेकर रहना और उनका भरण पोषण करना भारी मुसीबत पड़ती है। हालांकि इस मामले में ब्लॉक अधिकारी मीडिया के कैमरे में कुछ बोलने को तैयार नहीं। सिर्फ जांच का आश्वासन मिला। जिले के उच्च अधिकारियों ने जांच का आश्वासन ग्रामीणों को दिया है, लेकिन गरीब जनता को बेसब्री से जांच का इंतजार है कि सरकार से नया आशियाना मिलेगा। हालांकि ये जांच का विषय बना हुआ है। हमारी UFT लाइव टीवी की टीम जैसे ग्राम पंचायत में पहुंची तो ग्रामीण जनता ने मीडिया के सामने अपना दुखड़ा बताया और सरकार से व जिले के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। फतेहपुर से राजेश गौतम की रिपोर्ट। आवास आया है आपका कॉलोनी? क्यों नहीं आई है? आपको कोई सरकारी योजना का लाभ मिला? कुछ नहीं, पैर से विकलांग है। अच्छा, इतने दिन आए हुए पर आज तक कुछ सुनवाई नहीं। मैं आपका नीरज जी। सर मेरी किस्त आई थी तो हमने घर गिरा दिया रहने के लिए। यही है कि मेरे पास घर था और जब किस्त आई मेरी तो कि हम पैसे निकालने गए तो पैसा निकल नहीं रहा, तो हमने सोचा था कि चलो किस्त आ गई तो घर गिरा दिया। घर गिराने के बाद में बना रहे तो पैसा नहीं निकल रहा है। सेक्रेटरी पैसा मांग रही है कि क्या मांग रही है हमको जानकारी है नहीं। इसकी पूरी जिम्मेदार शिवानी सेक्रेटरी है। और कल हम लोग गए भी थे वहाँ ब्लॉक में, मैम वीडियो मैम को भी दरख्वास्त दिए थे, उसमें वीडियो मैम ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। जो है आवास आया है, क्या मामला है यहाँ जी? किस्त आई थी लेकिन उसको रोक दी गई है। हमने सारा घर गिरा दिया है, हम क्या करें बताओ? रहने के लिए जगह भी नहीं है। जैसे बारिश आ जाए तो करना, बारिश आ जाए तो बैठने की जगह नहीं है। दो बच्चे भी छोटे छोटे हैं, सास ससुर के यहाँ रहते हैं, वो निकाल दिए गए अपने घर में जाओ रो जाके, तो हम कहाँ जा रही हैं। तो आप लोग खाना वगैरह सब यही बनाती हैं जी? तो आपके खाते में जो किस्त आ गई थी उसको किसने रोका है? शिवानी मैम ने। शिवानी यहाँ की कौन है? सेक्रेटरी। क्या नाम है? राम। राम। क्या आपका आवास आया? तो आपकी किस्त रुकी है? जैसे बारिश हो जाए तो आप लोग कहाँ कैसे रहेंगी? कैसे रहेंगे? अब आप तो देखिए वही बनाते खाते हैं, मड़ैया डाले हैं। क्या नाम है आपका? आवास का क्या मामला है? आप रोक दी गई, रोक दी गई। अब आप लोगों ने कहीं शिकायत किया है? शिकायत अभी नहीं की। कल ब्लॉक गई थी? हाँ, गई थी। क्या आश्वासन मिला है अधिकारी ने? क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं बोला। कितने लोग हैं जिनके किस्त रुकी हुई है? छह सात लोग हैं। कौन सा गांव है? फतेहपुर जिले के देवमई ब्लॉक के मुसाफा ग्राम पंचायत के जलाला गांव में कुछ लाभार्थी पीएम आवास योजना से परेशान हैं, जिनकी आवास योजना में सत्यापन होने के बाद आवास का पैसा खाते में आया और लोगों ने अपना आशियाना बनाने के लिए कच्चे मकान गिरा दिए, छप्पर मकान गिरा दिए, इसके बाद किस्त रुक गई। आखिर क्या कारण रहा? क्या ये जिम्मेदार कौन है, क्या नहीं कौन नहीं है, इसके बड़ी सोचने वाली और ये जांच का विषय बना हुआ है। आखिर यहाँ के लोग जो है ग्राम पंचायत ग्राम विकास